अस्सलाम वालेकुम। तो आज का करते हैं जी स्टार्ट। ऊपर आई थी और सर्दियाँ आ चुकी हैं, धूप गायब हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों को सारा सामने नज़र आ रहा है, धूप नहीं है। और आज जो है बस थोड़ी सर्दी सर्दी, ये यहाँ पर धुंध ऐसे पड़ती है, स्मोग है, धुंध है, जो भी आप कह लें। क्योंकि मैं बेसिकली जो हूँ कहीं और की हूँ, मैं तो बहुत ठंडे इलाके की हूँ, और यहाँ पर जो है मैं पंजाब में आई थी। तो ये आप लोगों के सामने कैसा इधर का वेदर हुआ है। और आज बड़े दुख के साथ आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, ये तोता रात को जो है ये आया था पास। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी ये कंडीशन हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसका ये ब्लड ये जो है ये जम चुका है। ये रीज़न होती है पैरट्स को सही फीड करवाने के, जो होता है ना, क्या नाम है, क्या कहेंगे हम, यही के पैरट्स को हम लोग जो हैं, पैरट्स हो जाए, कोई भी बर्ड हो जाए, उनके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उनका जो है ना फीड का जो है बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनके टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो था हमारे पास से आया था किसी के पास से, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसकी कंडीशन जो थी ये था। इसका जो स्टमक कहते हैं, पोर्ट जो होता है, वो ब्लॉक हो चुका था, तो जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर सका। इसका यहाँ पर जो है ब्लड भी वो हो गया वह जम गया वह। तो बस यही है, इसी तरह ज़िंदगी है कि इंसान ने बहरहाल केयर करना, इनकी चीज़ इन चीज़ों की केयर बहुत मांगती है। ये देखिए जनाब, कितने खूबसूरत फ्लावर्स, वाह वाह, देखकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये वाले, इस वाले प्लांट के बारे में ना, मैं कहती थी पता नहीं है क्या चीज़ है। तो बेहतरीन किस्म की ये जो है फ्लावर्स ये हुए दिखे, यूँ लग रहा है जैसे पूरा एक बुके हो। ये देखे फुल, ये किसी को बंदा नीचे से ऐसे तोड़ कर इसे गिफ्ट में दे दे, कितने खूबसूरत लगेंगे। मगर तोड़ें क्यों भाई, लगे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है, है ना। प्यारे हैं ना ये, बहुत बहुत प्यारे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये इतने प्यारे फ्लावर्स, मैं कहती थी तो पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है। बहरहाल ये जो है किसी फ्लावर्स का ही है। अब इसका नाम मुझे नहीं पता, वेजिटेबल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो फ्लावर्स के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनाब इधर अपनी मेथी और पालक की तरफ, तो देखें मैंने कहा था ना इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर रख देते, तो काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होना स्टार्ट हो गई। देखिए जहाँ पर अब नहीं था ना, ये देखें जहाँ पर नहीं था, ये देखें यहाँ पर खाना इन्होंने शुरू कर दिया चिड़ियों ने। ये जैसे अभी है ना, अब ये ज़ाया हो गया, अब ये नहीं ग्रो होगा, ये नहीं ग्रो होगा। ये देखें ये भी, ये जो है ना ये टूट गया वह, ये भी चिड़ियों ने ख़राब कर दिया, अब ये भी नहीं ग्रो होगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मुझे नहीं लग रहा ये पालक या मेथी में से है कोई, ये तो मुझे किसी अलग किस्म लग रही है जी जनाब। किसकी लग रही है, मैंने ना इसमें शिमला मिर्च के पौधे भी डाले थे, लग रहा है एक दाना निकला, क्योंकि मैंने तो शिमला मिर्च ग्रो करने की बड़ी कोशिश की है, इस दफ़ा मेरी शिमला मिर्च नहीं ग्रो हुई, जिसका मुझे बड़ा ही अफसोस है। बाकी जो इधर हमारे पास ये हुए हुए हैं ना, क्या नाम है, सादा मिर्च, ये देख सादा मिर्च है ना, इसके प्लांट काफ़ी हमारे पास। मैं चाहती हूँ ये अपनी मेरी साग, साग के ऊपर भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई हुई है, मगर अब ये कह रही थी कि मतलब अब इसका तो साग का इतना फ़ायदा नहीं है ना मुझे। ओहो, मक्खी, शहद की मक्खी काट ही ना ले मुझको, ये देखें मुझे बड़ा डर लगता है इनसे, ये कहीं काट ही ना ले मुझको, है ना, है ना ऐसा। तो बहरहाल साग का मैं बताई थी कि इतनी सारी साग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतनी सारी साग तो एक बंदे का पेट ना भरे तो ये कहाँ से करेगी। अच्छा, इनके ऊपर ये जो शहद की मक्खी होती है, इनके पाँव के ऊपर पता नहीं है क्या इतना मोटा मोटा सा लगा होता है ना। अच्छा, ये गर्मियों में इसका बड़ा फ़ायदा होता है, ये जो आती है ना शहद की मक्खी आती है, बटरफ्लाइज आती हैं, इनका ये होता है कि पोलिनेशन बहुत अच्छा करती हैं। जैसे आप लोगों के होती है ना लाइक
करेले का जैसे फूल निकल आता है और जैसे कद्दू के होते हैं जिनको सेल्फ पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। अब हैंड पॉलिनेशन क्या है और वो क्या करना पड़ता है वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी, मगर वो उसमें क्या होता है ना कि उसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, तो जो होते हैं ना तो उनको हैंड पॉलिनेशन से जब करते हैं ना तो उनमें भी फ्रूटिंग होती है, यानी कि फल उनमें लगता है, फ्रूट बनते हैं, तो वो हैंड पॉलिनेशन होती है। तो अक्सर होता है कि हम लोग हैंड पॉलिनेशन नहीं कर सकते, तो ये जो मधुमक्खियाँ और ये बीज और ये जो बटरफ्लाइज आती है ना ये अपने टांगों पर लेग्स पर जो है ना ये चिपका लेती है इनके जो फ्लावर्स की जो पॉलिनेट होती है ना इनकी पॉलिनेशन चिपका लेते हैं, पर दूसरे फ्लावर पर जब बैठती है ना मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में तो वो ऑटोमेटिकली उनके पाँव से गिर जाती है, तो वो भी ना एक तरह का प्रोसेस हो जाता है। उसके बारे में आप लोगों को डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि हैंड पॉलिनेशन क्या है और खुद जो पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स उनका क्या है। बाकी पालक की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है जी जनाब, ओहो कितना मज़ा आता है ना इन फ्लावर्स को देखकर। अच्छा कल ना मुझे एक बच्ची क्या कहती है, वो मुझे कहती है आंटी ये तो जो है ना ये तो बड़े बूढ़ों का शौक़ है अपने प्लांट्स के प्लांट्स ग्रो करना और ये करना वो करना, आपको कहाँ से शौक़ पड़ गया। तो वही मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखो ये शौक़ तो हर किसी का हो सकता है, बड़ों का हो सकता है, छोटों का हो सकता है, सबका ही हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी मूलियाँ निकाल ली थी, 7 अलग को भी मैंने गिफ्ट किए थी ये जो है ना, ये देखें। अब मैं सोच रही हूँ कि बेचारी टेढ़ी मेढ़ी मूलियाँ पता नहीं क्यों हो गई हैं मेरी, पता नहीं मिट्टी का कमाल है या फिर पता नहीं किस चीज़ का कमाल है कि बेचारी मूलियाँ ही टेढ़ी हो गई हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हम लोगों के 7 वाले घर वालों ने भी यहाँ पर जो है प्लांटिंग की हुई है, कितने अच्छे लगाए हुए हैं यहाँ पर भी। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 8, ये आपको आ रही होगी 8 बज के तकरीबन 5 मिनट से ऊपर हो गया है टाइम, और मैं जो हूँ अब इसको फीड कराने लगी हूँ। और इसको जो है इसके ये अभी जो चीख रहा है ना इसकी क्या रीज़न है कि ये भूखा है। अब भूखे होने की क्या निशानी होती है, ये जो है ना ये देखिए फुल अंदर चिपका हुआ है ये अब ये चिपका हुआ है। अब मैं इसको फीड कराऊंगी, मेरे पास कोई ऐसी जग चीज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि फ़ीड कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलें इसको अब करवाते हैं फीड, फिर मैं आपको बताती हूँ फ़ीड करवाने के बाद इसको मैं क्या करूँगी। इसकी मैंने फ़ीड बना ली थी, एक ही बच्चा है तो थोड़ी सारी फ़ीड बिल्कुल 5 cc इसको मैं करवाऊँगी। तो ये मेरी सिरिंज पड़ी हुई है यहाँ पर, और फिर जो है इसको ये मैंने मिक्स कर लिया ठीक है, और फिर इसको मैंने इसमें भर लिया, ये भर लिया। रुके मैं बताती हूँ, मेरे हाथ में एक हाथ है एक हाथ से ये ठीक हो गया, ये मेरा भरा गया। ये पाइप है और ये पाइप भी अभी सही नहीं, इंशाल्लाह इसके लिए भी दूसरा मैं पाइप लेकर आऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे होता है करती हूँ ये फीड। ये जो है मैंने इसको ऐसे पकड़ा और फिर इसके मुँह में थोड़ा 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 करके डाल दिया ये, मगर अब जो है ये थोड़ा नखरे जैसे कर रहे हैं ना, अब मैं इसका क्या करूँगी कि इसके मुँह में डालकर पाइप अंदर किया और ये एंटर कर दी सारी फीड। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब क्या है ये मैंने इसको फीड करवा लिया, अब ये देख रहे हैं आप ये भर गया, तो इट्स मीन इट्स डन। इसको वापस इधर रख दिया छोटे सारे को और लेकर जाऊंगी इसको इसके ब्रूडर में रखने के लिए। अभी मैं इसको लेकर जा रही हूँ, तो ये है इसका ब्रूडर, आज इसके ब्रूडर की सफाई भी करूँगी और इसको हम रखेंगे इधर। मौसम देखिए कितना हो रहा है, ठंडा ठंडा, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं आप लोगों को आज बता रही थी ये पानी के लिए मैंने यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है। जिस पौधे को देखकर जिस प्लांट को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था ना, आज जब मैं ऊपर आती हूँ ना सबसे ज़्यादा देखकर खुशी मुझे इसी को ही होती है। मतलब ये इतना मुझे प्यारा लगता है, इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत, मुझे पहले नहीं पता था कि इसके ऊपर जो हैं इस तरह के फ्लावर्स ग्रो हों।
मतलब एक तो इनका कलर इतना खूबसूरत, ये वाइट और येलो कलर के, और मैं उस दिन साथ उन लोग के घर में गई थी, आंटी के घर, उनके घर में मैंने देखा एक एक फूल निकला हुआ था, सिर्फ एक एक फूल ना। तो मतलब ये होता है कि इसकी अगर आप केयर करें इन प्लांट्स की, तो ये कितने खूबसूरत दिखते हैं, आपके घर को कितना प्यारा बनाते हैं। अब जैसे कि ये है, यूँ जैसे किसी को पूरा अगर नीचे से काट कर देते हो, भाई बुके तैयार है आपके लिए, बहुत हसीन लगता है मुझे, सबसे प्यारा मुझे ये लगता है। दूसरा मैं कह रही थी कि ये जो घर में जो मेरी ना उग गई है ना सरसों, इतनी ऊपर हो गई है कि वो दीवार से ऊपर जा रही है। अब इसका सोच रही हूँ क्या करूँ, आप लोग अगर देखते हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ। मैं इसके ऊपर पानी देने लगी थी, मुझे ना यहाँ पर एक नज़र आ गया प्यारा सारा लेडी बर्ड, ये आपको नज़र आ रहा है प्यारा सा, तो इसके ऊपर ना मिली बग्स ने ना, ये देखें वो किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मिली बग्स आ गए। रुके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये वाइट वाइट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो अब इसके ऊपर अगर स्प्रे करूँगी तो ये बेचारा मर जाएगा। अब मैं ना इसको उठा कर क्या करती हूँ, इसको मैं रखती हूँ किसी और पे, और फिर मैं देखती हूँ इसके ऊपर और तो कोई लेडी बर्ड वगैरह तो नहीं है, फिर इसके ऊपर मैं करती हूँ स्प्रे ताकि ये थोड़े सारे ठीक हो जाए। ये जो है हमें सर्दी की वजह से ऐसे हो रहे हैं। अभी मैं इनके ऊपर स्प्रे करती हूँ और मैं इसको उठाती हूँ। आज जो प्यारे सारे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहाँ गया, गिर गया जी। तो मैंने जो थी सारी मूलियाँ निकाल ली थी, ये सारी मूलियाँ निकली हैं, ये हैं आप लोगों के सामने, ये बेचारी एक और टेढ़ी मूली, ये देखें एक और है ये मूली। मुझे मुझे तो लगता है कि कोई सांप होकर गया था यहाँ पर, जो सारी सांप नुमाई बनी हुई है मूलियाँ, ये देखें इतनी बड़ी मूली। और ये तो इसको लेकर जाते हैं अभी ऊपर, ओ सॉरी नीचे, ऊपर क्यों, और साग को मैं कह रही थी कि यहाँ से अभी ख़त्म करते हैं, साग का कोई फ़ायदा है नहीं है, और इसको भी अभी निकालते हैं सारा, यहाँ से क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें मज़ीद और क्या लग सकता है। तो ये आज की मेरी हार्वेस्ट है, ये मूलियाँ इतनी ज़्यादा निकल आई। थी फिर शाम को लेने, अब मैं आ जा रही हूँ वापस घर, तो जी जाते हैं घर और फिर देखते हैं। जी अभी ये रात का टाइम और हम लोग को तैयार करने लगे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर के मुरब्बे को गाजरें छील कर इसके ऊपर से ये छोटा टक 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 कर किया जाता है ताकि जो है इसके अंदर तक खीरा जाया जाए, और ये जो है इसमें करने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। आज तो इतना काम कर किया है, बाकी का बाकी तो काम जो है कल करेंगे, और फिर जो इसकी फाइनल लुक जब तैयार हो जाएगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसका फ़ायदा आपको पता है क्या होता है, इसको खाने से बहुत ज़्यादा पावर आती है, और एज अ स्वीट डिश बहुत मज़ा आता है खाने में।